बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। था जिसकी वजह से सर्दियों में और मौसम जैसे ही चेंज होता था ना तो हेयर फॉल शुरू हो जाता था एकदम से। तो इस DIY ऑयल से मेरे जो बाल एकदम झड़ने, एकदम डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो गई और मेरे बालों में डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो गई, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा रीजन होता है हेयर फॉल का। अगर आप बाल, अगर आपकी स्कैल्प ड्राई होगी तो आपके बाल झड़ेंगे, आपके बाल कमजोर होंगे। तो सबसे पहले खत्म करना जरूरी है डैंड्रफ को, तो उसके लिए ये हेयर ऑयल है। और इससे ना केवल डैंड्रफ खत्म होती है बल्कि आपके बालों की लेंथ भी बढ़ती है और आपके बाल मजबूत भी होते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल पर। तो आज मैं आपको अपनी पूरा हेयर केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मेहंदी बना लेती हूँ और मैं नेचुरल मेहंदी यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ बजाय किसी डाई वाली मेहंदी के। तो आप कोशिश कीजिए कि नेचुरल मेहंदी ही लें। मैंने नेचुरल मेहंदी ले ली अपने बालों की, अपनी हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग। और इसमें एक ये मैं मैजिकल पाउडर डालने वाली हूँ। ये मैजिकल पाउडर मैंने घर पे ही बनाया है। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं ना, वो बालों की ट्रीटमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। आपके बालों को लंबा, घना, काला और मतलब मजबूती देंगे। ये जो पाउडर बनाया है इसमें मैंने डाला है आंवला, रीठा, शीघाकाई, ब्राह्मी और महाभृंगराज। ये पांच चीज़ें बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिक का काम करती हैं। तो मैं पाउडर इस तरीके से बना के रख लेती हूँ। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कैस्टर ऑयल आपके बालों को मजबूती देता है, आपके बालों को शाइन करता है। ये मैं अपनी मेहंदी में ज़रूर से डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है कैस्टर ऑयल लिया है और इससे बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। मुझे कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैंने मेहंदी को घोलने के लिए चाय की पत्ती और कॉफ़ी का पाउडर लिया है। तो इसको मैंने किस तरीके से तैयार करा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और इस मेहंदी को मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। जिस दिन मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो मैं रात भर लोहे की कढ़ाई में इस तरीके से भिगो के रख देती हूँ और फिर सुबह उठ के मैं अर्ली मॉर्निंग ही मेहंदी लगा लेती हूँ, ताकि मेरे काम भी हो जाए और मेरा ये मेहंदी लगाने वाला काम भी हो जाए, अच्छे से मैं बालों में मेहंदी रख पाऊँ। तो मैं बालों को ना छोटे छोटे पार्ट्स इस तरीके से ले लेती हूँ और हर पार्ट्स में मैं मेहंदी हाथों से इस तरह से लगाती रहती हूँ। इस तरीके से क्या होता है ना कि मेहंदी बहुत अच्छे तरीके से पूरे बालों में लग जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मेहंदी किस तरीके से बनाती हूँ, प्रॉपर तरीका, और किस तरीके से बालों में मेहंदी लगाती हूँ, तो वो मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने एक वीडियो में शेयर करा था कि स्टेप बाय स्टेप आप मेहंदी किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरी मेहंदी अब लग चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने किचन के अंदर। और किचन में मतलब मैं अपनी मेहंदी ना 3.5 से 3 घंटे आराम से रख लेती हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग लगाती हूँ काम करने से पहले। तो जो भी किचन में काम होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या जो भी काम होते हैं ना, तो आराम से 2-3 घंटे निकल जाते हैं घर के कामों में। अगर दिन में मैं लगाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद आती है, मुझे लगा के बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। मेहंदी लगाने के जस्ट बाद में हेयर वॉश नॉर्मल पानी से करती हूँ। मैं कोई भी शैम्पू वगैरह अप्लाई नहीं करती हूँ। उसके नेक्स्ट डे में रात के वक्त ऑयल लगाती हूँ। तो वो ऑयल मैं किस तरीके से बनाती हूँ, ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं बहुत सालों से इसको यूज़ करती आ रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल तो हेयर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, इवन हेयर के लिए नहीं, स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लिया है मैंने देसी कपूर। तो कपूर भी 2 तरह के आते हैं, एक टिक्की वाला आता है और एक खुला हुआ आता है, तो आपको ग्रॉसरी की शॉप पे मिल जाएगा। तो आप खुला वाला लीजिए, क्योंकि वो ओरिजिनल होता है, वही इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ऑयल के अंदर 60 ग्राम देसी कपूर लिया है, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करके मैं कांच की बॉटल होती है ना, उसके अंदर रख दूंगी। और इस ऑयल को रखना है हमको धूप में 7 डेज तक। 7 डेज के बाद में ये ऑयल बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और इस ऑयल को किसी लकड़ी के पाटे पे ही रखना है, किसी लकड़ी के बाउल में ही रखना है, आपको डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना।
तो मैं जिस दिन हेयर वॉश करना होता है तो एक उससे एक दिन पहले मैं रात को इस ऑयल को गरम करके मैं लगाती हूँ। तो जो गरम करने का भी तरीका है ना, वो इस तरीके से करती हूँ कि मैं पहले से ही पानी को गरम कर लेती हूँ अच्छे से, और उसके अंदर इस तरह से कटोरी रख के उस ऑयल को भी गरम कर लेती हूँ। इस तरह से अच्छा सा गरम हो जाता है। तो डायरेक्ट कभी भी हीट पर नहीं रखना चाहिए ऑयल को, और इस तरह से फिंगर टिप की मदद से मैं अपने बालों में इस तरह से मसाज करते हुए ऑयल लगा लेती हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब भी ऑयल लगाएं और मसाज करें तो बिल्कुल लाइट हाथों से करें, बिल्कुल हल्के हाथों से करें। ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है, और मैं थोड़ा सा ऑयल लेके अपने हेड पर इस तरह से डैब 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 करते हुए लगाती हूँ। इससे आपके बालों के लिए भी अच्छा रहता है और आपकी आइज़ के लिए भी अच्छा रहता है, आपकी आइज़ की रोशनी तेज होती है। तो मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया। जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, तो मैं गीले बालों में कोम कभी नहीं करती जब तक मेरे बालों से अच्छे से पानी नहीं निकलता, जब तक मैं टॉवल से बांधे रखती हूँ। देखिए बालों से अच्छे से पानी मेरा निकल चुका है, और जब पानी निकल जाता है उसके बाद में मैं अपने बालों में कोम करती हूँ, जो कि इस तरह का मैं कोम यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा हेयर केयर रूटीन होता है, इस तरह से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। कि अपना अच्छे से नींद लीजिए 7-8 घंटे की, और अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखिए। बस यही चीज़ें हैं, यही कुछ रूल्स हैं हेल्दी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर के। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।